यहाँ पे ऐसा सोचना है, ठीक है, यहाँ से ऐसा सोचना है, एकदम गाड़ी से बाहर सोचना है, गाड़ी का बंटवारा। कितना भीड़ आगे देख सकते हो, पूरा लंबा लाइन जैम हो चुका, सिर्फ मिडिल को देखना है गाड़ी का, सिर्फ गाड़ी का मिडिल, दो नंबर गियर डाला मैंने, ठीक है। देखो अभी इसको मेरे को ओवरटेक करना है, राइट पिलर को देखो मेरा, ठीक है, देखो वो कहाँ पे, इधर पे है, यानी कि बी सेक्शन पे है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग जजमेंट को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में जो ड्राइंग हमने किए थे, उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन आ रहा था, उसको लेकर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ शुरुआत से एक ब्रीफ, ये मेरा गाड़ी का बोनेट है, बोनेट का लेफ्ट सेक्शन, बोनेट का राइट सेक्शन, यानी कि ये जो मेरा बोनेट है इसको यहाँ से हम लोग दो हिस्से में बंटवारा करेंगे। ये गया मेरा कांच, ठीक है, बोनेट का सामने जो शीशा, ये वाला हिस्सा एक और ये वाला हिस्सा एक, दोनों हिस्से में इसको बंटवारा करेंगे यहाँ से, ठीक है, दोनों हिस्से में हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये गया हमारा डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड का मिडिल है, यानी कि ये जो मेरा डिफरेंस पॉइंट है मिडिल है, ठीक है। ये मेरा टायर है लेफ्ट टायर, ये मेरा राइट टायर है, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ तीन लाइन सोचना है। एक गया मेरा राइट साइड का लाइन, यानी कि ऐसा इस राइट साइड स्टीयरिंग से ऐसा सोचना है, ऐसा अंदर नहीं, ऐसा बाहर करके, ठीक है, जैसा मैंने डायग्राम पे दिखाया, ठीक है, ऐसा। उसके बाद जो बोनेट से, जो मेरा बोनेट है, अगर आपके गाड़ी में बोनेट भी नहीं है तो फिर डैशबोर्ड से एग्जैक्टली मिडिल कर लेना है, एक लाइन को एकदम गाड़ी से बाहर सोचना है, गाड़ी का बंटवारा, मिडिल का बंटवारा, ठीक है, ऐसा पूरा बंटवारा करना है, लाइन सीधा जाएगा, ठीक है, गाड़ी जैसा जा रहा है उसके साथ एक लाइन जाएगा बीच में से, हो गया। अभी बहुत ध्यान से सुनो, अभी इधर से आपका जो भी आंखें हैं, ये आपका आंखें है, ठीक है, स्टीयरिंग है, इधर पे आप ड्राइवर का सीट है, इधर से आप लोग देख रहे हैं। अभी क्या करना है, इधर से एक लाइन सोचना है जो मिडिल से जाएगा, गाड़ी का सामने टायर का सामने से जाएगा, ठीक है, एक ए लाइन, एक ए लाइन और एक ए लाइन। अभी ये जो लाइन है दोस्तों, ये चेंज होगा, कभी ऐसा जाएगा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, यानी कि आप लोग को स्पेस छोड़ना है, इतना स्पेस, इतना स्पेस, इतना स्पेस, ये स्पेस कहाँ पे है, अगर आप लोग बोनेट को गौर करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी, ठीक है, ऐसा लाइन सोचना है, क्यों, क्योंकि दोस्तों हो सकता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी सी, ए गया आपका छोटा गाड़ी, बी गया मीडियम कार और सी आपका लार्ज व्हीकल, लॉरी बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपके सामने आपके गाड़ी का हिसाब से, अगर आपका गाड़ी छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, उसके हिसाब से बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर आपका गाड़ी बहुत बड़ा है तो तभी आप लोग को बी लेना है, ठीक है, सामने का गाड़ी छोटा है बी लेना है, अगर आपका गाड़ी बहुत छोटा है सामने का गाड़ी छोटा है ए लेना है, अगर आपका गाड़ी बहुत बड़ा है सामने का जो भी गाड़ी है वो भी बड़ा है तभी आप लोग को सी लेना है, यानी कि स्पेस, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा स्पेस है, लेफ्ट साइड जजमेंट और ये बीच में लेफ्ट व्हील। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, तो देखो यहाँ पे जो भी रास्ता का एंड होता है ना, वो जहाँ पे आता है मेरा मिडिल का, अगर वो रास्ता का एंड अगर मिडिल में आता है तो मेरा जो लेफ्ट व्हील है उस रास्ते का एंड से ही जा रहा है। अगर अभी यहाँ पे देखो जो रास्ता का एंड है वो थोड़ा उधर है, यानी कि मेरा जो लेफ्ट व्हील है इस बीच में है, ठीक है, मेरा लेफ्ट व्हील इधर है, ठीक है, उधर नहीं है, सोचो इधर है, तो इधर जब भी होता है जो रास्ता का एंड थोड़ा उधर है, अगर ऐसा सोचता हूँ तो जो मेरा लेफ्ट व्हील है वो थोड़ा अंदर है, यानी कि जितना ये अंदर है वो भी उतना अंदर है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेन रोड के ऊपर, अभी डिस्कशन करते हैं दोस्तों कैसे आप लोगों को जजमेंट लेना है आपके गाड़ी के साइज के ऊपर, सामने का जो भी गाड़ी, नहीं तो रिक्शा, नहीं तो बाइक जो भी जा रहा है उसके साइज के ऊपर। तो अगर आपका गाड़ी का साइज बहुत छोटा है, मीडियम है, बहुत बड़ा है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ही आप लोगों को स्पेस छोड़ना है, कितना स्पेस आप लोग बाई तरफ छोड़ रहे हैं, ठीक है, कितना स्पेस आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, वो सब कुछ बहुत है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ब्रिज पे चढ़ते हैं, टाउन के अंदर जाते हैं, एकदम जहाँ पे गाड़ी वाड़ी बहुत ज्यादा रहेगा उधर जाके डिस्कशन करते हैं। चलो देखो अभी मैंने डाल दिया दो नंबर गियर पे, ठीक है, आप लोगों को हमेशा ऐसा सोचना है, आपका गाड़ी का मिडिल से एक लाइन जा रहा है, ठीक है, जो लाइन आप लोगों को एग्जैक्टली सीधा सोचना है, ठीक है, सीधा क्यों सोचना है, क्योंकि आपका जो बोनेट है, हो सकता है आपके गाड़ी के अंदर बोनेट नहीं है, हो सकता है बोनेट है, जो भी है आप लोगों को एक लाइन सीधा सोचना है, ठीक है। उसके साथ जो राइट साइड का जजमेंट, उसके ऊपर एक वीडियो है, उसको भी ध्यान से देखो, अभी इसको भी सुनो, यहां से एक लाइन ऐसा सोचना है जो लाइन एग्जैक्टली आपका जो राइट व्हील है उसको क्रॉस करके आगे जाएगा, और एंगल करके सोचना है, ऐसा करके, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे तो बहुत स्पेस आप लोगों को पीछे वाला जो गाड़ी का बॉडी है उसको मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा, आप लोगों को सामने जो शीशा है उसको दो हिस्से में बंटवारा करना है, ठीक है। तो दो हिस्से में बंटवारा करने के बाद आप लोगों को माथे पे रखना है ऐसा, जो भी गाड़ी आपके सामने नहीं तो जा रहा है, ठीक है, जो भी गाड़ी आपके सामने जा रहा है उस गाड़ी का पीछे का व्हील, ठीक है, पीछे का दोनों व्हील इधर होना चाहिए। तो इधर मैंने इसको कर दिया न्यूट्रल, ठीक है, अभी हल्का सा ब्रेक कर दिया मैंने दो नंबर गियर। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखो, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करो,
सामने जब रिक्शा जा रहा है, ये मेरा कहाँ पे है, इस वाला हिस्सा में है, तो सामने का जो रिक्शा है इसका साइज हम लोग छोटा कह सकते हैं, बहुत ही छोटा है, ठीक है। मैंने इंडिकेटर दिया ऐसा करके, सब कुछ ध्यान रखो मैं कैसे क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इधर उधर कुछ स्किप मत करो। देखो इधर पे मेरे को बाई तरफ जो ओवरव्यू है उसको भी देखना है, क्योंकि उधर कितना स्पेस मैं छोड़ रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरा पीछे का बाई तरफ हिस्सा कॉर्नर का, ठीक है। अभी गाड़ी आ गया 2 नंबर गियर पे, चलो। और जो भी गाड़ी अगर आपके सामने कुछ लॉरी बस बड़ा गाड़ी आ रहा है उसको क्या करना है, सी वाला सेक्शन लेना है, नहीं तो बी लेना है, उसका जो साइज है उसको हिसाब करके, ठीक है। देखो सामने जो गाड़ी है ना छोटा वाला, ठीक है, वो तो मीडियम साइज हम लोग उसको बोल सकते हैं, यानी कि छोटा वैगनर हो गया, कोई भी गाड़ी छोटा वाला गाड़ी, देखो वो कहाँ पे, इधर पे है, यानी कि बी सेक्शन पे है वो। ये सबसे बहुत ही बच के दोस्तों, देखो अभी मैं धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सब कुछ। देखो सामने जो गाड़ी कहां पे है, मेरे राइट सेक्शन बंटवारे के अंदर है, इसको ओवरटेक करने के लिए मेरे को उसको लेफ्ट सेक्शन बंटवारे के अंदर लेके आना है। अभी बहुत सामने भीड़ हो सकता है, ठीक है, श्योर नहीं हूं मगर हाँ भीड़ होगा, चलो भीड़ के अंदर ही देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर गियर मैंने डाला, हल्का हल्का एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी 3 नंबर डाला, हल्का एक्सेलरेशन। देखो ये जो रिक्शा सामने जा रहा है ये कहाँ पे है, ये भी मेरा राइट वाला चाका के अंदर है, यानी कि जो राइट सेक्शन पे है, इसको ओवरटेक करने के लिए मेरे को ऐसा करके इसको ओवरटेक करना है, ठीक है। देखो आगे ओवरटेक करके, देखो ये जो बस आ रहा है, टर्निंग के दौरान आप लोगों को नजर रखना है, जो लाइन मैंने आप लोगों से कहा उस लाइन को ना आप लोगों को वैसा ही टर्निंग के हिसाब से सोचना है, ठीक है। देखो अभी सामने में जा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को ऑल टाइम हमेशा लाइन चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं इसको लाइन चेंज करूंगा तो इधर पे जैम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक गाड़ी का पीछे पीछे जाना है, ठीक है, उसको ओवरटेक करके हमेशा नहीं जाना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं जब भी स्पेस मिलता है वो लोग ओवरटेक करके जाते हैं और उसके कारण ही बहुत जैम हो जाता है रास्ते में, ठीक है, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बंदा सही से चलाएगा दूसरा भी सही से चलाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं, बहुत हॉर्न दे रहा है, इसको मैं जाने देता हूं, ठीक है। देखो अभी बहुत ही ध्यान से देखो, जितनी भी गाड़ी मेरे सामने जा रहा है, सामने बहुत भीड़ रहेगा, मैं पहले से बता दिया आप लोगों को, तो बहुत ही ध्यान से देखो, जो भी गाड़ी मेरे को मिडिल से बाई तरफ लेना है, ठीक है। चलो देखो अभी मेरे को डालना पड़ेगा 1 नंबर गियर, सिर्फ क्लच रिलीज, ठीक है, हल्का हल्का। देखो सामने देखो, राइट पिलर को देखो मेरा, ठीक है, एकदम धीरे हो गया गाड़ी, ठीक है, 1 नंबर गियर और कोई चारा नहीं है, ठीक है। अभी सामने देखते रहो, 2 नंबर गियर, ठीक है। अभी मेरे को इधर से इसको थोड़ा सा खींचना है, मैं एक हाथ से ना मेरा कैमरा को पकड़ रहा हूं, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम परेशानी हो रहा है, कैमरा मूवमेंट कर रहा है बहुत। देखो जो भी चीजें हैं उसको मेरे को कहां लेके आना है, बाई तरफ, ठीक है। सिर्फ मिडिल को देखना है गाड़ी का, सिर्फ गाड़ी का मिडिल, 2 नंबर गियर डाला मैंने, ठीक है। अभी देखो बहुत ज्यादा ही जैम है, ठीक है, मगर इससे अंदर से हम लोगों को जाना पड़ेगा। देखो वो बंदा जो बाई तरफ जा रहा है पेडल, ठीक है, वो कहां पे है, मेरा गाड़ी का एकदम बाई तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैं धीरे ऐसे चला रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, पोजीशन ध्यान रखो, ठीक है। मैं ORBM को जरूर देखना है, जरूर देखना है ORBM को, क्योंकि ORBM से कितना दूर आपका गाड़ी रास्ते से कितना दूर है, जो एंड है रास्ते का, उसको भी नजरअंदाज नहीं करना है, उसको देखना है हमेशा, ठीक है। कोई भी बंदा आप लोगों को बाई तरफ से ओवरटेक कर सकता है, उसको नजर में रखना है, ठीक है। देखो अभी 2 नंबर गियर डालना पड़ेगा क्योंकि सामने बहुत ज्यादा जैम है। जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूं वैसा आप लोगों को ड्राइव करना है, ठीक है, धीरे धीरे करके भीड़ के अंदर, तो ऐसे आप लोगों को ड्राइव करना है। मैं ऐसा ड्राइव नहीं करता हूं भीड़ के अंदर, जोर से चलाता हूं, मगर हाँ दिखाना है, इसीलिए नए हो तो धीरे चलाओ, ठीक है, इसीलिए ऐसा मैं ड्राइव कर रहा हूं। चलो देखो बाई तरफ गौर करो, मिडिल को देखो तुम लोग, ठीक है, मिडिल को देखो सिर्फ। देखो ये जो बंदा जा रहा है कहां पे है, यहां पे है, यानी कि मेरा गाड़ी का सब चीज यहां पे आ रहा है, मैं उसको ओवरटेक करके जा रहा हूं। देखो इधर पे एक बस आ रहा है, ठीक है, मेरे को अभी इधर नहीं जाना है, ठीक है, मैं उसके सामने ही जा रहा हूं, देखो, क्योंकि उसको भी दिखाना है मेरे इधर पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब भी गाड़ी आएगा आप लोगों के सामने, तब भी आप लोगों को हड़बड़ी करके बाई तरफ नहीं घिसना है, डरना नहीं है, मैंने कहा, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने डाल दिया 3 नंबर गियर, ओके,
चार नंबर गियर। देखो ये रिक्शा कहाँ पे है, मेरा इधर पे है, तो इसको ओवरटेक करके जाने के लिए मेरे को हल्का स्टीयर करना पड़ेगा। देखो इधर पे आ गया, एकदम ए पॉइंट पे आ गया, मैं इसको ओवरटेक करके आ गया, ठीक है ऐसा। देखो इधर पे अचानक मेरे को ब्रेक करना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे हाथ में। मेरा जो भी वीडियो है ना, जब भी आप लोग उसको देखोगे, वो क्लच का हो सकता है, ठीक है, ब्रेक का, क्लच ब्रेक का वीडियो हो सकता है, कोई भी वीडियो हो, सिर्फ उसका मिडिल को गौर करो, ठीक है, क्योंकि मिडिल को अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा बहुत। देखो दो नंबर गियर दिया, ऐसा टर्न पे अगर ऐसा मोड़ आपके सामने आता है, उस मोड़ पे आप लोगों को बिल्कुल जोर से ड्राइव नहीं करना है, ठीक है। देखो चार नंबर गियर डाला, ठीक है, इधर पे मैं थोड़ा सा रुक के ना मेरा कैमरा को सही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कैमरा को ठीक, अभी गाड़ी को स्टार्ट, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लोगों का गाड़ी का लेफ्ट व्हील कहां से जा रहा है, उस जो मैंने पुराने वीडियो पे कहा था, उसको आप लोगों को ध्यान पे रखना है, लेफ्ट व्हील गाड़ी का कहां से गुजर रहा है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तीन नंबर गियर डाला, अभी सही है, चार नंबर गियर डाला, गाड़ी चल गया ऊपर। सामने जो रिक्शा जा रहा है, देखो ऐसा जा रहा है रास्ता, ठीक है, यानी कि वो मेरे से बाहर ही है, वो इधर पे नहीं है, ठीक है, अभी इधर पे आया वो, क्योंकि रास्ता से ऐसा बेंड हो रहा था। और हॉर्न बहुत ज्यादा देना है जब भीड़ के अंदर जाएंगे तो, ठीक है, नॉर्मल टाइम पे उतना हॉर्न नहीं चाहिए। अभी देखिए इतना भीड़ है तो इसलिए मैं हॉर्न बहुत ज्यादा दे रहा हूं। देखो अभी इसको मेरे को ओवरटेक करना है, देखो ऐसा जजमेंट, देखो इधर मैं देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं, ठीक है, ऐसा करके मैंने इसके अंदर से मैंने निकला, तो ऐसा निकलना है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, आप लोगों को तुरंत डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ऐसा अगर रास्ता होगा, ठीक है, ऐसा मोड़ के अंदर, ऐसा टर्न के अंदर बहुत जोर से गाड़ी भगाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड टर्न है, ये ब्लाइंड टर्न नहीं था। देखो सामने जो रिक्शा आ रहा है कहां पे है, इधर से ऐसा सोचना है उधर जाना है, हल्का मैंने इधर पे टर्न किया, तो आप लोगों को इसको देखना है, इसको देखना है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना हो डिसीजन लेने में। आईने को देखना है, पीछे का जो आईना है इसको ठीक कर देता हूं मैं, इतना देर तक ठीक नहीं था ये, उस विंडो को, वर्ड बीएम को, लेफ्ट वर्ड बीएम को देखना है, उसके साथ मिडिल को देखना है, बस हो गया, आसान है। देखो अभी कहां पे है, अभी मेरा गाड़ी चार नंबर गियर पे है, ठीक है। देखो अभी तीन नंबर गियर डाला क्योंकि गाड़ी रुक रहा था, ओके। देखो सामने जो गाड़ी जा रहा है, जो भी चीजें जा रहा है, वो सब मेरा लिफ्ट सेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो जब भी आप लोग ऐसे जाएंगे तब भी आप लोगों को बोनेट, ठीक है, बोनेट को भी जो भी डिस्टेंस है उसको भी ध्यान पे रखना है, क्योंकि बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपका गाड़ी सिडान है, जैसे कि स्विफ्ट डिजायर है, सियाज हो गया, ठीक है, कोई भी गाड़ी हो, बोनेट अगर बड़ा हो तो उसको ध्यान पे रखना है, ठीक है। देखो वो मेरे को हाथ से इशारा कर रहा था, मेरे को पता है उधर जाना, मेरे को बोल रहा है इधर घिसने के लिए, बहुत जगह था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो गाड़ी रास्ते के एग्जैक्टली मिडिल पे रख के क्या कर रहा है। देखो अगर ऐसे सिचुएशन पे अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आप लोगों को नहीं मिल रहा है भीड़ के अंदर, तो मेरा बहुत सारा वीडियो उसको देखा करें, ठीक है। ऐसे रास्ते के अंदर ऐसा और यहां पे ऐसा सोचना है, ठीक है, यहां से ऐसा सोचना है, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा सोचना है, ठीक है, ऐसा। देखो अभी देखो सामने गौर करो, ऐसे जा रहा हूं, ओके, जो भी गाड़ी मेरे सामने है कहां पे है, मेरा राइट सेक्शन पे है, अभी उसको मैं ओवरटेक कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अभी पांच नंबर से गाड़ी के लिए तीन नंबर गियर, स्पीड कम हो गया तीन नंबर, ठीक है। देखो ये गाड़ी आ रहा है कहां पे, हल्का सा टर्न, ठीक है, ऐसा चार नंबर, हल्का हॉर्न, ठीक है। साइकिल कहां पे है, देखो बीच में से गुजरा मैं उधर देखा, उधर देखना है, ठीक है, नहीं तो आप लोग ठोक देंगे। बाई तरफ वॉरबीएम हमेशा देखना है, और वॉरबीएम से एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से देखो, मैं स्लो जा रहा हूँ, ठीक है, एकदम दो नंबर गियर डाला मैंने। देखो अभी वॉरबीएम का, ठीक है, सेंट्रल का, मैं वॉरबीएम के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, मगर फिर भी अभी ध्यान से सुनो, वॉरबीएम का जो बीच है, सेंटर है, उससे रास्ते का जो लाइन है, यानी कि रास्ता का जो एंड है, लाइन छोड़ दीजिए, रास्ता का जो एंड है वो बराबर जाना चाहिए, जो गैप बराबर होना चाहिए,
ठीक है, वो गैप कितना है आप लोगों को समझ आ जाएगा। हाँ, इतना गैप मेरा गाड़ी के साथ रास्ते का है। ठीक है, अभी देखो सामने बहुत ज्यादा ही भीड़ है। ठीक है, भीड़ के अंदर गौर करो, यहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह है, छुट्टी हुआ है, बहुत ज्यादा ही जैम है। अभी देखो क्या हो सकता है। ठीक है, देखो सिर्फ क्लच ड्राइविंग करना है, सिर्फ क्लच। ठीक है, यहाँ पे देखो गाड़ी है मेरा दो नंबर गियर पे, तो दो नंबर गियर से मैं यहाँ पे आगे लेके जाऊंगा गाड़ी को। ठीक है, एक नंबर गियर डाला मैंने, सिर्फ क्लच ड्राइविंग करना है। देखो धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, एकदम स्लो। ठीक है, जजमेंट देखो यहाँ पे दो नंबर गियर गाड़ी है। ठीक है, कितना भीड़ आगे देख सकते हो, पूरा लंबा लाइन जैम हो चुका है। ठीक है, देखो अभी मेरे को बाई तरफ जाना है, बाई का इंडिकेटर दे दिया मैंने। ठीक है, मेरे को इधर से नहीं जाना है, मेरे को इधर से ही जाना है। ठीक है, देखो देखो कितना भीड़ है। देखो तो ऐसा भीड़ के अंदर आप लोग को ड्राइविंग सीखना है दोस्तों। ठीक है, यहां पे जजमेंट आप लोग कहां से लेंगे, नजर रखना है बोनेट, ओवर बीएम, बाई तरफ, बस हो जाएगा आराम से। देखो सिचुएशन देखो यहाँ पे, और मेरा मिडिल को देखो, वो जो बंदा है ठीक है उधर चला गया, एक नंबर गियर गाड़ी है, सामने ब्रिज भी है। तो ऐसा लोग यहाँ इधर पे ऐसे चलते हैं ना, साइड भी नहीं देते। ठीक है, देखो अभी गाड़ी हो गया दो नंबर गियर पे, रास्ता हल्का खाली हो चुका है, तो अभी हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, तीन नंबर गियर। ठीक है, अभी सामने देखो, जब भी आप लोग जाएंगे आप लोगों को सब कुछ सोच के जाना है। ओवर बीएम को मैं बार बार दौड़ा रहा हूँ, ओवर बीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। पांच नंबर गियर, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, पांच नंबर गियर स्लोप है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ब्रेक कर दो हल्का सा, चार नंबर गियर डालो, लेफ्ट का इंडिकेटर दो, क्योंकि मेरे को इधर जाना है, पीछे वाला जो बाइक उसको मैं दिखा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, ऐसा ड्राइविंग करना है। ठीक है, इधर से मैं गाड़ी को घुमा लेता हूं, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। देखो बैक गियर, क्योंकि उधर पे जगह बहुत ही नैरो था, उधर गाड़ी आ रहा है एक के बाद एक, मेरे को बहुत देर तक रुकना पड़ सकता है। पीछे देखा मैंने, ठीक है ऐसा देखा, ठीक है राइट टर्न लिया, पूरा एकदम राइट टर्न, दाहिने तरफ देखा, बाई तरफ देखा, एक नंबर गियर मैंने डाला। ठीक है, अभी मेरे को बाई तरफ जाना है, देखो उठा दिया ऊपर, पूरा एकदम स्टीफ है दोस्तों। ठीक है, एकदम देखो पूरा स्टीफ, दो नंबर गियर डाला मैंने, स्टीफ के अंदर कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक नंबर पे गाड़ी चढ़ नहीं रहा था। ठीक है, ऐसे जाना है, तो आप लोगों को हमेशा ऐसा ड्राइव करना है ताकि कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, दिक्कत ना हो, भीड़ के अंदर आराम से जाइए। देखो चार नंबर गियर, ठीक है पांच नंबर गियर, ओके ऐसा जाना है। ठीक है, इसको देखना है, इसको देखना है, हमेशा ऐसा ऐसा। ठीक है, ब्रेक किया हल्का, चार नंबर गियर, तीन नंबर गियर, मेरा क्लच फुल प्रेस है। ठीक है, मैं इसको रिलीज नहीं कर रहा हूं, ऐसा ऐसा ड्राइविंग करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ड्राइविंग, ऐसा भीड़ के अंदर ड्राइविंग आप लोग एक भी आप लोगों को नहीं मिलेगा दोस्तों, इतना भीड़ के अंदर ड्राइविंग एक मेरे को दिखाइए, इतना भीड़ के अंदर। ठीक है, पूरा यूट्यूब में, अखा यूट्यूब में एक वीडियो ऐसा दिखाइए मेरे को। देखो ये खतरनाक रास्ता है दोस्तों, ये काकीनाड़ा है दोस्तों, बहुत सबसे ज्यादा जैम रास्ता आप लोग बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा। हावड़ा और काकीनाड़ा और गौरीपुर, ये तीन प्लेस आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, कितना मार्केट एरिया है दोस्तों, खतरनाक मार्केट है, यानी कि अनसंड मार्केट है। देखो, और जो गाड़ी का जो भी हॉर्न है ना दोस्तों, कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा है, अंधे है सब लोग, आप लोगों को सोचना है जो भी बंदे है रास्ते में सब अंधे है। ठीक है, तभी आप लोग अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। देखो सामने है, एकदम सामने, मैं सामने का बोनेट कैसे जज कर रहा हूँ दोस्तों, कैसे कर रहा हूँ एग्जैक्टली आसान। ठीक है, इधर मेरे को देखना पड़ा क्योंकि एग्जैक्टली नजदीक था ये, देखो बंदे को देखो, इसका स्पीड को देखो, उसको ओवरटेक करके मेरे को जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चार नंबर गियर, अभी सामने देखो जो ब्लू कलर का गाड़ी है कहाँ पे है, मेरा बाई तरफ है, मैंने यहाँ पे स्टीयरिंग घुमाया नहीं घुमाया, देखो धीरे 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 निकल गया। ठीक है, दो नंबर गियर, क्योंकि गाड़ी का स्पीड कम हो गया, ऐसा तीन नंबर गियर। ठीक है, ऐसा ड्राइव करना है दोस्तों, एकदम फुल कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों,
आसान से फटाक से चार नंबर गियर, ठीक है। अभी देखो ड्राइविंग दिखाता हूँ, देखो चार नंबर गियर गाड़ी जा रहा है मेरा, ठीक है। देखो सामने है तीन नंबर गियर, ब्रेक किया मैंने, स्पीड कम हो गया, ठीक है, हो गया खत्म, खलास, ओवरटेक करके आ गया ऐसा, ठीक है। चार नंबर गियर ऐसा आप लोगों को ड्राइव करना है, ठीक है। अगर सामने कोई भी कुत्ते वगैरह जो भी आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक कर दीजिए हल्का सा आराम से, तीन नंबर गियर, ठीक है। देखिए हल्का स्टीयर, तीन नंबर गियर, तीन से मैंने दो दिया था वहां पे, दरकार नहीं था मगर फिर भी देखो ऐसा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। पांच नंबर गियर ऐसा ड्राइव करना है, ठीक है। ब्रेक किया, क्लच को पकड़ के रखा, तीन नंबर गियर, ठीक है। अभी हल्का सा रिलीज किया, हल्का एक्सेलरेशन ऐसा, ये एग्जैक्ट वे होता है दोस्तों, ठीक है। पीछे अगर कोई भी हॉर्न दे, ब्रेक किया, दो नंबर गियर, गाड़ी का स्पीड और कम हो गया, ठीक है ऐसा। इसको मैं जाने देता हूँ, जाओ उड़ के जाओ भाई। तो ऐसा आप लोगों को ड्राइव करना है, आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।